गाइस फाइनली मैं ग्रैंड मास्टर पहुंच चुका हूं, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें आप लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर अच्छा ना लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। गाइस पहले तो मेरा करेक्टर स्किल देख लो कि मैं क्या क्या यूज करता हूं। जितने भी ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं वो सभी लोग यही यूज करते हैं, तो आप लोगों को भी ग्रैंड मास्टर पुश करना है तो आप लोग भी यही करेक्टर यूज कीजिए, ये करेक्टर सबसे बेस्ट है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं गेम में। गाइस वीडियो को ध्यान से देखने की बजाय मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत से बंदे हैं जो ये करेक्टर लेके खेलते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में भी बताता जाऊंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे आप लोग यूज़ करना है। जैसे आप लोग मतलब दूसरे तरीके से आप लोग यूज़ करते हैं, ग्रैंड मास्टर प्लेयर जो होते हैं वो थोड़ा इसको डीप में यूज़ करते हैं, आप लोग यूज़ नहीं कर पाते हो उतना कि आप लोगों को कब यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मैंने इसको हेड मारा 104 का, लेकिन ये दोबारा हेड जैसे लगा तो वैसे नॉक हुआ। एक और बंदा को हेड मारा और यहाँ पे दो बंदे नॉक हो गए हैं और अभी दो बंदे बचे हैं, और यहाँ पे एक और हेड लगा लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ और वो भाग गया दूर। तो गाइस ऐसे में क्या है, हमें रश कर देना चाहिए क्योंकि बंदे डैमेज होते हैं, और यहाँ पे भी एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया है और फाइनली तीन बंदे नॉक है, और यहाँ पे ये एक्स कर दिया मैंने, चारों बंदों को मैंने अकेले ही मार दिया। तो गाइस आप लोग भी चाहो तो करेक्टर स्किल का यूज़ करके, अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने करेक्टर स्किल का कहाँ कहाँ यूज़ किया है, तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो करेक्टर स्किल का पता चलेगा कि कैसे कैसे यूज़ करना है आप लोगों को। गाइस फाइनली यहाँ पे तीन तीन राउंड हो चुका और ये आखिरी राउंड है। तो गाइस इसमें क्या है कि मेरे को अच्छे से खेलना पड़ेगा और हमारी टीम को भी अच्छे से खेलना पड़ेगा, नहीं तो माइनस लग सकता है। जैसा कि ये आखिरी राउंड है तो जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस मैच को जीतना, उतना ही हमारे अपोनेंट टीम को भी जीतना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइस इस राउंड को जीतने के लिए हम लोगों को एकदम छुप के खेलना पड़ेगा, क्योंकि सारे बंदे छुपे हुए हैं और कोई भी यहाँ पे देख सकते हो एक बंदा सामने से निकल रहा है। अब उसको कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई उसको मारने की कोशिश करेगा वो मार देगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर के बंदे इतने कमज़ोर नहीं होते हैं। मुझे एक बंदा यहाँ पे दिखा है और ये देखो कैसे कवर में रह के खेल रहा है। तो गाइस इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पे डैमेज दिया मैंने और मैं रश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे को शील्ड मिला था मेरे को एक्टिव स्किल यूज़ करने पर। तो गाइस आप लोग भी करेक्टर का यूज़ करोगे तो आप लोगों को भी शील्ड मिलेगा। फाइनली अपोनेंट का एक बंदा मर चुका है, तो गाइस हम लोगों को रश करके खेलना पड़ेगा तभी बुइया हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पे एक बंदा मेरे को सामने भी दिख गया है तो मैं मारता हूँ उसको, और यहाँ पे हेड शॉट लगा 53 का लेकिन भाई बच गया, और यहाँ पे एक बंदा निकला और इसको भी मैंने हेड मार दिया और ये खत्म, और इसको मैं फाइनली छोड़ देता हूं अभी, क्योंकि अभी सामने एक बंदा बचा है तो उस पे रश करना है सबको, और यहां पे बुइया हो गया। गाइस जैसे कि मैंने दूसरा मैच स्टार्ट किया तो गाइस देखोगे कि वही बंदा दोबारा से आ गया जो पिछले मैच में था। तो गाइस कई बार ऐसा होता है कि वही बंदे घूम फिर के उधर के बंदे इधर आ जाते हैं, इधर के बंदे उधर चले जाते हैं। तो गाइस आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा हुआ है कभी, मेरे को यहां पे नॉक कर दिया है और सामने जो बंदा ये देखो कोरोना वाला वही बंदा है जो पिछले मैच में था। तो गाइज ऐसा होता है कभी कभी कि वही बंदे वापस आ जाते हैं, और इसने और मार नहीं पा रहा है, इसको भी नॉक कर दिया। तो गाइज यहाँ पे अभी मेरा दो बंदे नॉक हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, और ये तीसरा बंदा भी मेरा डाउन हो चुका है, और ये फाइनली एक यहाँ पे ये बची अकेली और इसको भी ख़त्म कर दिया। तो गाइज अब बात करते हैं पाँचवें राउंड की। यहाँ पे क्या है कि तीन राउंड वो लोग निकाल लेते हैं और हमारा दो ही राउंड होता है, तो अब हम लोगों को और अच्छे से खेलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मैच हार सकते हैं। गाइज फाइनली सामने बंदे हैं और हम लोगों को बीच में नहीं घुसना है, नहीं तो मार देंगे कोई ना कोई। तो गाइज यहाँ पे एक बंदा ऊपर जा रहा है अपोनेंट टीम का, तो गाइज हम लोगों को क्या है कवर में रह के खेलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पीछे से भी बंदे आ सकते हैं। अगर हम लोग आगे फायरिंग करते हैं और पीछे ध्यान नहीं देते तो पीछे से भी बंदे आ जाते हैं और मार देते हैं। हमारा दो बंदा डाउन और ख़त्म बिल्कुल हो चुका है, डाउन होके ख़त्म हो गए, क्योंकि यार उन लोगों ने ध्यान से नहीं खेला। यहाँ पे मैंने एक बंदे को हेड मारा और यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, नहीं तो कोई रिवाइव दे देगा। और यहाँ पे एक पीछे से आया बंदा और इसको भी मैंने हेड मार दिया। तो गाइस MP40 यहाँ पे बहुत अच्छे चल रही है इस समय, और यहाँ पे सामने ऊपर एक बंदा है और ये क्या है मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, और मैं भी इसको सोचता हूँ कि डाउन कर दूँ जल्दी से। तो गाइस मेरे को कवर में यहाँ पे आके जाता हूँ पीछे, क्योंकि पीछे भी बंदा है और इसको भी मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। और फाइनली यहाँ पे MP40 से मैंने बॉडी शॉट से ही ख़त्म कर दिया इस बंदे को, क्योंकि ये थोड़ा डैमेज था इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया। और फाइनली ये वाला बंदा भी ख़त्म हो गया और ये राउंड हम लोगों ने निकाल लिया। तो गाइस अब क्या है, फाइनल राउंड है, इसमें क्या होता है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। गाइज यहाँ पे मैंने जैसे ही तासुया करेक्टर यूज़ किया तो यहाँ पे सनी करेक्टर का शील्ड बन गया। तो गाइज आप लोग अगर सनी करेक्टर का यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग तासुया के साथ सनी करेक्टर का यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का गेम प्ले हो सकता है, क्योंकि उस पर शील्ड पॉइंट भी मिल जाता है। गाइज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो भी देते रहेंगे, क्योंकि
आप लोग भी ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।